प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह जहाँ। अब तुम भी तो गाओ, तुम भी यही गाओ। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। तू मुमताज है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूँ रबूपुरा। रबूपुरा ग्रेटर नोएडा का वो गांव है जो काफी चर्चित है, भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान से प्यार के वशीभूत होकर आई है सीमा हैदर और भारत की बहू होकर सचिन मीणा की पत्नी बनकर रह गई है यहीं पर। यही वो घर है, ये जो गली है आपने कई बार देखी होगी, ये घर देखा होगा। मैं आपको आज कुछ स्पेशल दिखाऊंगा जो आज से पहले शायद आपने ना देखा होगा। किस तरह से जी रहे हैं लोग, किस तरह से बसा है इनका घर संसार। ये घर है, आइए अंदर मेरे साथ और महसूस कीजिए इस प्रेमी युगल जोड़े की जिंदगी के कई ऐसे पहलू जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। आइए मेरे साथ अंदर और मैं आपको मिलाता हूँ इन लोगों से जो यहाँ पर अभी रह रहे हैं ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गाँव में। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घर बन गया, अभी अलग तरह का कमरा बन गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीमा और सचिन दोनों जो इस समय लोगों से मिल भी रहे हैं। सचिन कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या कहेंगे, कैसी चल रही है जिंदगी दोनों प्रेमी युगल की? अच्छी चल रही है, मिलने वाले आते रहे, जाते रहे, आते रहे। अच्छा। अभी मिलने वाले से मिलते रहे हैं बस। अच्छा, यही काम चल रहा है। बढ़िया। क्या कहेंगे, बहुत खुश हैं और बढ़िया चल रही है जिंदगी। जिंदगी बढ़िया चल रही है। क्या क्या बदलाव हुआ जिंदगी में सीमा? क्या क्या आओ, अगर अंदर बाहर आओ थोड़ा सा देखें तो जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुआ हिंदुस्तान में आने के बाद? पाकिस्तानी सीमा ने क्या क्या अलग देखा? पूरी ही बदल गई मैं। और एक बात बताऊंगी, मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है, अपने घर सजाने का बहुत शौक है। अच्छा। बाहर नहीं जा सकती तो फ्लिपकार्ट से जो चीज़ देखी वो पाई। अच्छा। फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करती हूँ, खूब। अच्छा। शॉपिंग करी है, कई हज़ारों के इनके मैंने खर्च कर दिए। खर्चा वो जबरदस्त हो रहा है सचिन है। खर्चा इससे ज़्यादा थोड़ा खर्चा है। अच्छा। पैसे इसके लिए मायने नहीं है। अच्छा। ये है मेरे लिए। क्या क्या खरीदा है? ये खरीदा है। अच्छा। पर्दा मैंने, ये भी ऑनलाइन मंगाया है ऑनलाइन। ये अच्छा। पत्ते ये खरीदा है और भारत सजावट का सामान भी है और क्या मंगवाए थे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ही। जूसर। अच्छा, इस तरह के हार या पहनते, यही पसंद है? बिल्कुल, बहुत पसंद है मुझे ये ऑनलाइन मंगवाए हैं। अच्छा। ये डिब्बियाँ, इनमें चीज पैकेट सारी ऑनलाइन मंगवाई। ये भी जूसर है, इस्त्री है। अच्छा। कुकर मंगवाए हैं और ये गिलास प्लेट, ये गिलास प्लेट भी ऑनलाइन मंगवाया। सब कुछ ऑनलाइन मंगवाया। वो शीशे का सेट मंगवाया वो भी ऑनलाइन। ये डिनर सेट भी ऑनलाइन मंगवाया। अच्छा। बिल्कुल, सब कुछ ऑनलाइन ही ज़्यादा। ये बाल्टी कचरे के लिए वो भी ऑनलाइन मंगवाई। अच्छा, बाजार में बिल्कुल नहीं जा पाते हो? बाजार नहीं जा नहीं सकते ना। अच्छा। तभी तो ऑनलाइन मंगा रही हूँ। ये फूल और मंदिर, मंदिर भी लगा है? हाँ, वो भी मतलब वो तो ये मंदिर तो यही ले आए थे। अच्छा। और जो मूर्तियाँ हैं वो मुझे गिफ्ट में आई थी। अच्छा, तो वही लगा रखी है? उन्होंने मुझे दी थी, बिल्कुल वही लगा रखी है। बाकी चीज़ें ऑनलाइन है, जैसे कपड़े लेना हो गया, ये पत्ते, ये पर्दे, हर चीज़ में ऑनलाइन मंगवाए क्योंकि मुझे बहुत शौक है अपना घर सजाने का। रेट कैसे हैं यहाँ के, रेट कैसे पाकिस्तान के रेट और यहाँ के रेट अगर पूछो? बहुत अलग हैं। अच्छा। जो चीज़ वो वहाँ 2000 में आती है वो यहाँ 500 में आराम से मिल जाती है। अच्छा। बिल्कुल, इसी चीज़ मुझे खुशी होती है कि 200 में मैं ऑर्डर करती हूँ बगैर सोचे कर देते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता है। अच्छा। तो चम्मच मंगवा लिए, कांटे मंगवा लिए, तो बहुत सस्ते सस्ते में पड़ते हैं, तो मैं आराम से खरीदकर कर लेती हूँ। और फ्लिपकार्ट से जैसी आप चीज़ होगी ना वैसी मिलेगी और 15 रुपये का डिस्काउंट भी। फ्लिपकार्ट की बड़ी वो कर रहे हो आप हैं। मैं वो क्योंकि मैंने देखा है ना उस चीज़ में, मैंने जो ली है ना तो उसमें अच्छी चीज़। ये घड़ी भी ऑनलाइन मंगाई है? नहीं, ये तोहफा आई थी। अच्छा, और ये चूड़ियाँ ऑनलाइन मंगवाई थी। अच्छा, अच्छा। ये चूड़ियाँ अंदर पड़ी हुई हैं वो ऑनलाइन की हैं, इस्त्री भी ऑनलाइन की है, वो कुकर मंगवाया था। आइए आप बाहर आइए, घर की चीज़ें ऑनलाइन आई। ये पर्दा भी ऑनलाइन मंगाया राधे कृष्ण? ये पर्दा भी ऑनलाइन आया है मेरा, राधे कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। तो इनको ही लगा रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ हर जगह जहाँ भी देखूँ मैं अपने राधे कृष्ण जी को देखूँ। अच्छा, ऐसा क्यों, राधे कृष्ण जी से इतनी मोहब्बत क्यों? मेरी बस मेरी भक्ति इनके साथ है शुरू। अच्छा। से लेके पाकिस्तान से लेके मुझे पता नहीं कि इनकी चीज़ सुनती हूँ ना तो मैं खुद खींची जाती हूँ। अच्छा। इसी वजह से बिल्कुल पाकिस्तान में ही करने लगी थी इनसे प्यार बिल्कुल बहुत ज़्यादा जब ये नहीं थे तब से। अच्छा। मुझे अच्छे लगते थे राधा कृष्ण की स्टोरी में बार बार दिखा करते थे, मुझे अच्छी लगती थी। तो पहली बार कहाँ सुनी थी? मैंने टीवी में ही सुनी थी। अच्छा।
टीवी में, पाकिस्तानी सीमा में, पाकिस्तानी टीवी में, वहाँ पे मतलब यूट्यूब चलते थे ना वो चैनल इंडियन, अब तो बंद हो गए क्या, इंडियन चैनल पहले वहाँ चलते थे, स्टार भारत चलता था, दूरदर्शन चलते थे, ये चैनल वहाँ चलते थे, उन चैनलों में देखते थे हम। तो उनकी स्टोरी आपको अच्छी लगती थी? बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, तभी मैंने उनको फॉलो करा। घर में कौन कौन है आपके? घर में मैं हूँ, मेरे पति देव हैं, मम्मी, पति को पति देवी कहते हैं आप? बिल्कुल, पति देव या मीना, मीना जी कहती हूँ ज़्यादा तो। पापा हैं और जिठानी, जिठानी का बच्चा है और नंद है, देवर है। और मिलाओ, किससे मिलाओगे आप? ये 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 बच्ची अभी वीडियो बना रही थी वो। अच्छा, ये आप जिठानी हैं, यहाँ ले आइए, लाइट में लाइए। नमस्कार जी, आइए आप, आइए आइए, बाहर आइए। हाँ, सब देख रहे हैं। अब आप कब तक छुपोगी बताइए? क्या नाम है यूट्यूब का चैनल बनाया? अच्छा, क्या नाम है आपके चैनल का? अंजलि कुमारी 10। अंजलि कुमारी 10-20। 10-20, अच्छा अच्छा। तो कैसे लग रहा है सीमा यहाँ पर आई है और आपकी दो रानी बनी है? बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर कोई नहीं, आप बाहर आ जाइए क्योंकि लाइट अंदर कम है ना थोड़ा सा। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरीका से रहते हैं हम लोग, बहनों की तरह, और जी मतलब बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है सब कोई। अच्छा। इसकी बोल चाल, रहन सहन, बच्चे और प्यारे लगते हैं। अच्छा। काम कौन ज्यादा करता है? काम दोनों सभी मिलजुल के करते हैं, मतलब दोनों हम सही करते हैं काम। सीमा कह रही कि मेरी जेठानी बहुत काम करती है, बहुत, मुझे करने नहीं देती। नहीं मम्मी, मैं ये तीनों चारों काम कर, मैं कम, जहाँ से काम होता है मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, बाकी यही कर लेते हैं मेरे जेठानी, मम्मी, मम्मी तो मम्मी हमारी सुपर। कई बार ऐसा दोरानी जेठानी में झगड़ा भी होता है? ऐसा भी तो कुछ भी नहीं, नहीं हुआ। नहीं, कोई अगर थोड़ा तेज बोल लेते थे बस उस समय सही हो जाते हैं। अच्छा। लड़ाई वाला कोई, गाली गलौच वाली कोई बात नहीं है, ऐसे थोड़ा तेज बोल लिया उस समय बात कर ली। चुप, अगर ये तेज बोल दिया तो एक जना चुप हो जाता है, केती रे। झगड़ा नहीं होता? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं है, पर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब प्यार से रह रहे सब लोग। प्यार से ही रहना चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी सी है, उसे प्यार से गुजारना चाहिए। और सीमा यहाँ पर आई है जो दो रानी बनी है, इतने सारे लोग आते हैं, इतने सब लोग आते हैं मिलने के लिए आते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा। ये सीमा के बच्चे भी आपको मम्मी बोलते हैं? हाँ, बड़ी मम्मा बोलते हैं। अच्छा, बड़ी मम्मा बोलते हैं। हाँ, बड़े पापा, बड़ी मम्मा। अच्छा अच्छा, सबको प्यार से ही बोलते हैं, इनकी भाषा भी अच्छी लगती है हमें। अब तो आपकी भाषा ही सीख गए लोग भी? हाँ बिल्कुल ही सीख गए, क्योंकि मैं तो मेरे बच्चे इनकी भाषा बोलते हैं, मेरी थोड़ी अलग होती है, मैं अपने बच्चों की कभी कभी कोई बात समझ नहीं पाती, तुम क्या कह रहे हो, कहते मम्मी, मतलब यहाँ के बिल्कुल मेरे बच्चे जो भाषा में डल गए, क्योंकि बच्चे तो खेलते हैं, सबके पास जाते हैं, मिलते हैं, तो बिल्कुल यहाँ की भाषा। सास कहाँ चले गई आपकी? भाग गई। हाँ जी। तो मन लग रहा है गांव में, नए हिंदुस्तान में मन लग रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। मेरे पति ने मुझे वॉशिंग मशीन दिलाई थी। अच्छा, ये नई नई ली है? अच्छा, ये अच्छा, बिल्कुल सारा सब, यहाँ मोहल्ले की औरतें मुझे लक्ष्मी कहती हैं। अच्छा। कि इस घर को ही बदल दिया सीमा ने तो, बिल्कुल। और क्या क्या बदला है जिंदगी में सीमा? अब तो सब कुछ बदल गया, घर बदल गया, हम तो यहाँ, मैं आ गई, मेरी जिंदगी नई से शुरू हुई। मैं तो कहते मैं जन्म अभी लिया है, मैं तो यही कहूँगी। पिछली जिंदगी भूल गई हो? भूल गई बिल्कुल, अभी से न्यू, बिल्कुल न्यू, पीछे के कुछ भी नहीं है, अब जो भी है यही है, जो भी है यही है। जिंदगी मतलब दिनचर्या कैसे रहती है? डे सुबह उठते हो, सोते हो, क्या क्या करते हो? क्या काम का बंटवारा भी कर रखा है या कैसे? बंटवारा नहीं है। अच्छा। कोई भी कर ले, ये अच्छा, बात है। अच्छा। सबसे पहले जब हम उठते हैं ना, तो हमारी मम्मी पहले से जागी होती है। अच्छा। आधा काम निपटा होता है, 6 बजे उठ जाते हैं, तो सब बारी बारी नहाते हैं, नहाते सब भगवान को हाथ जोड़ते, फिर आगे चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोपहर खाना बनाना शुरू करते हैं, फिर वही दोपहर वाले काम करके फिर 2-3 घंटे सो जाते हैं, पर खाना ही जो भी चीज़ बनती है पहले भगवान खाते हैं, फिर वरना कोई चखता भी नहीं कि नमक तेज़ है या कम है, पहले भगवान उसके बाद हम। अच्छा। धार्मिक रूप से आप ज़्यादा सक्रिय हो गई है? मेरे मंदिर दिखाऊं मैं आपको? आइए। अच्छा अच्छा, ये मंदिर सेपरेट बना दिया आपने? अलग से मंदिर बनवाया, पहले मंदिर कमरे में ही था, अब अलग मंदिर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो सेपरेट सीमा ने अपना मंदिर भी बना दिया है बिल्कुल, जहाँ पर कोई नहीं, अलग रूम है मंदिर का। और आप देख सकते हैं कि भगवान की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, गंगा जल है, यहाँ पर आसन रखा है जहाँ पर बैठ कर पूजा की जाती है, और हर तरह से यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट है। दो कमरों के बीच में जो जगह थी उसका इस्तेमाल मंदिर के रूम में कर लिया है, और पर्दा भी लगा दिया है बिल्कुल बिल्कुल। राधा कृष्ण, सब तमाम पूजा कौन करता है सुबह उठकर? किचन बन गया हमारा नया, नया है हाँ, इसमें शिफ्ट हो गए, बर्तन वर्तन रख दिए। अच्छा अच्छा, किचन नया बन गया। अच्छा, फ्रिज तो पहले से ही है ना? फ्रिज पहले वाली है हाँ, किचन बन गया। और आइए, छत पे जाना होता है कभी भी? छत पे जाते हैं शाम शाम, हाँ जाते हैं शाम में। मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं मिलने आती हैं? बहुत ज़्यादा लोग बहुत मिलने आते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, इतने बहुत ज़्यादा, खाने खाना भी नहीं देते। अच्छा। सोने की तो दिल में तो याद नहीं मैं कब सोई हूँ। अच्छा। सोने नहीं दिल देते, सो नहीं पाते ना, दो मिनट सोई फिर कोई देखने वाला आ जाएगा, फिर उठा देंगे, उठो सीमा आ गए भाई दिखा दो। और मुझे भी होता है कि दूर दूर से आ रहे हैं, प्यार लेकर आ रहे हैं, तो मुँह दिखाना में क्या जाता है, जाके नमस्ते करती हूँ दो मिनट मिलके अपने कमरे में, इसको उठा दो। मिलने आते हैं दूर दूर से लोग? हाँ बहुत बहुत दूर दूर से, और बहुत अच्छे लोग आते हैं, बहुत प्यार देते हैं। मथुरा वृंदावन से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं मिलने। जो प्रेम कहानी है सबने, सबको इमोशंस पैदा कर दिया है। कई लोग तो अपनी मोहब्बत को तुम ही देखते हैं। बिल्कुल, सुबह भी एक लड़की कह रही थी कि तुमसे इसको मतलब वो मिल गई है, इंग्लिश में कुछ कह रही थी कि तुमसे इसको हौसला मिल गया है मोहब्बत करने का, वरना ये भी डर डर के करती थी, अब इसकी भी शादी होने वाली है, इसने भी हौसला करा तो इसकी भी शादी होने वाली है। अच्छा, बिल्कुल यही कह रही थी एक लड़की। बहुत सारे जो लवर्स या प्रेमी जोड़े की आप इंस्पायरेशन हो गए हैं। हाँ, उनको हौसला मिल गया, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ किसी का दिल ना टूटे, सबको अपना प्यार मिले, और जो प्यार वाली जिंदगी में शांति सुकून है ना, वो वैसे नहीं है, बंदा तो सारी जिंदगी पछताएगा काश मुझे मेरा प्यार मिल जाता, अगर प्यार मिल जाता है ना तो लाइफ कम्प्लीट, तो काश खत्म हो जाता है। सीमा को मिल गया उसका मोहब्बत? गया, मैं बहुत खुश नसीब लकी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे मेरा प्यार मिल गया, और मेरा प्यार मुझे मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, प्यार वो आपके बाहर चले गए मुझे लगता है, शर्मीले हैं आपके प्यार? हुँ? शर्मीले हैं, शर्मीले हैं, थोड़े से शर्मीले हैं, छत पे गए हुए। अच्छा, बोलते बहुत कम है। बहुत बोलते हैं, पर मेरे क्या कि उनकी ऐसे हो जाते हैं खामोश से, वैसे बहुत बोलते हैं। हाँ, अगर आप दो मिनट कैमरा छुपके से चालू रखो ना, उनसे बातें करोगे वो खुल के शुरू हो जाएंगे, और कल ऐसा ही हुआ, इंडियन न्यूज़ में वे शुरू हो गए, बोलते हैं पागल कैमरा चल रहा है, हंसी मजाक में गाना वगैरह वगैरह बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, गाना वाना भी गाते हैं? बहुत गाते हैं। अच्छा? बहुत अच्छे से नाचते भी बहुत अच्छा। अच्छा? है तो हर रंग है सचिन में? हर रंग है, वो हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं, वो नाचते भी हैं, गाते भी हैं, और शायरी भी करते हैं, शायर भी हैं। तो कौन सी शायरी आपके लिए कहते हैं वो? वो सब फेमस हो गई। बताओ कौन सी? भाई, आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगी ना प्यार। यही सारी बात, बच्चे बच्चे को ये शायर याद हो गई, हर बच्चे बच्चा ये शायरी कहता है। अच्छा? राज भी कह लेगा। राज, बोलो क्या कहोगे? टन 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 छोले बटन, सीमा ने आंख मारी, सचिन खत्म। अरे भैया क्या कह, ये शायरी कहाँ से सुनी भाई? बनाई है। बनाई है? किसने बनाई है? मैंने। अरे नहीं यार, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। कहाँ सुनी बता? ये बड़े बेटे हैं राज ना, एक बार दोबारा शायरी सुनाओ। टन 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 छोले बटन, सीमा ने आंख मारी, सचिन खत्म। मुझे लगता नहीं कहीं सुनी होगी है ना? कहीं सुनी होगी, बिल्कुल सुनी है तो। काफी एक्टिव है, कैसे याद कर ली? हिंदुस्तान में मन लग रहा है यहाँ आकर, कैसे लग रहा है? ठीक। बोलो, पाकिस्तान की याद आती है? नहीं नहीं। पुराने पापा की? नहीं। क्यों नहीं आती, क्या वजह? प्यार नहीं करते वो। प्यार नहीं करते, यहाँ करते हैं। ये बच्चे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए हैं पूरे परिवार के साथ, सचिन के साथ, उसके परिवार के साथ। आप देख सकते हैं कि बच्चे, सचिन शायद ऊपर ही है, और क्योंकि वो कैमरे से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, आओ ऊपर चलते हैं, छापा मारते हैं सचिन के ऊपर, कब तक छुपेगा है? सचिन भाई, ऐसा यार ऐसा क्यों करते हो आप? आप डांस भी करते हो, गाना भी गाते हो, शायद यहाँ ने देखा है ऐसा, मैं पानी पानी हो गई।
पानी पानी हो गई और एक नई प्रेम की कहानी हो गई है। गजब 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 गजब। उल्टे बहुत चल रहे थे अच्छी तरह। तो सचिन क्या नया शेर सुनाओगे सीमा के लिए? नया शेर होना चाहिए, वो ही नहीं नया शेर, बिल्कुल अलग 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 तरह का नया शेर। नया शेर सुना दे कुछ ना कुछ। पहले आप सुनो, हमारी छत पे चल के बात करो। आओ चलो सीमा की नई छत। आलू भराई उसी शेर से आपको पटाया इन्होंने? नहीं है? अच्छा सा कह रहे थे, पता इनको क्या हो गया, इनकी थोड़ी ज्यादा कमजोर हो गई। सुनाओ कोई गाना, मन का गाना। ऐसा तो मुंह पर नाम है, गाने वैसे ही सुना दूंगा। हाँ सुनो, कोई चीज सुनो। इधर 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 आ जाओ। फिल्म का कोई गाता भूल जाऊं मैं? अरे कोई नहीं यार, निकला गड्डी लेके। ओ मैं निकला ओ गदले से गड्डी लेके, एक रास्ते पे एक मोड़ आया के गड्डे दिल छोड़। मैं उठे दिल छोड़ मैं उठे दिल छोड़ आया। और कौन सा जो पुराना, जब फोन पे बात करते हो गए आप दोनों तो तब भी गाना गाते थे? बिल्कुल गाते थे, बिल्कुल गाते थे। अब पता इनको क्या हो गया, भूल गए। कौन से गाना गाते थे? वैसे तो बहुत गाते थे। एक जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो, हंसते हंसते हम सह लेंगे सितम, हाथ में घर तेरा हाथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। ये गाना था कि दिल की आवाज थी सीमा? बिल्कुल, इसलिए मन से गाया है। बिल्कुल, और यकीन है हम जरूर जीतेंगे, सच्चाई और सच्चे प्यार की जीत होगी। एक उदाहरण बन गया प्रेम आपका, है एग्जांपल। बस वो घड़ी के इंतजार है कि जब धमाल मच जाएगी, जब हमें पता पड़ेगा कि हाँ सीमा रह सकती है, सीमा को चार्जशीट मिल चुकी है, क्लीन चिट मिल जाएगी, तब धूमधाम से फिर दोबारा हमारा सपना है कि हम दोबारा से शादी करेंगे और ऐसी करेंगे कि यादगार बन जाएगी। बिल्कुल, कागज पर मोहर लग जाएगी तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। बिल्कुल, और उसका इंतजार है। बिल्कुल। और कौन सा बॉलीवुड गाना या अच्छा लगता है, जो जो दिल के करीब है, जिनको मन करता है गुनगुनाने का? वही प्यार हमारा अमर रहेगा, वो अच्छा लगता है। उसमें भी मुझे लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं बातें हैं। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ, मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह है जहाँ। अब तुम भी तो गाओ, तुम भी यही गाओ। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साए जहाँ। बहुत खूब, दोनों की जोड़ी बहुत खूब है। और ये प्रेम की इंतहा है आज के ज़माने में, इतना गहरा प्रेम की सरहदें छोटी पड़ गई दोनों देशों की, और मोहब्बत जीतने की उम्मीद है कि अब ये कह रहे हैं कि अगर कागज़ पर मोहर लग जाएगी तो शादी दोबारा करेंगे। दोबारा धूमधाम से, मनोज प्यास सब आएंगे, आप भी आना और दोबारा से भी अच्छा बनाना, क्योंकि हम नाचेंगे भी। अच्छा। मिलके हमारा डांस भी देखोगे। बस मेरी ये कृष्ण जी से प्रार्थना है कि वो दिन आ जाए, मेरा सपना है, मैंने सारी चीज़ें सेट करके रखी हैं। बस सब लोगों ने, हमारे पूरा मोहल्ला, पूरा मीना समाज कह रहा है कि ऐसा धमाके से तुम्हारी शादी दोबारा कराएंगे कि दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी। बस उस दिन का इंतज़ार है, गांव भी इंतजार कर रहा है, पूरा गांव। जब भी कोई फटाका फोड़ते हैं ना हम, तो लोग कहते हैं शायद सीमा को मतलब क्लीन चिट मिल गई और सीमा को यह मिल गया और इसलिए फट रहे हैं, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कभी नहीं है, जब आएगा तो सब देखेंगे। हाँ सचिन कुछ कह रहे थे, वो कुछ कह रहे थे कि अगर क्लीन चिट मिल जाएगी, कागज पर मोहर लग जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, तब कुछ करेंगे हम। जब करेंगे आप ही देख लेना, फिर बाद में उसके बाद देखेंगे। शादी दोबारा से करेंगे अच्छी रीति रिवाज से, धूमधाम से खूब।
दुनिया देखेगी, यूट्यूब पे भी डालेंगे और यूट्यूबर को भी बुलाएंगे, सब चीज यूट्यूब पे लोग इतना प्यार देते हैं ना। मैं 3-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल रही तो लोगों की शिकायतें आ रही, कमेंट पुराने वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि भाभी अब तो आ जाओ, हम तुम्हें यहीं से देखते हैं, क्यों नहीं वीडियो डाली, डालो। तो फिलहाल टाइम नहीं है ना, कमरे में बिजी रहते हैं काम में, और थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई इनकी भी हमारे मौसम बदलने की वजह से, तो इसलिए नहीं डाल पाते। पर अब कुछ दिनों के बाद दोबारा से डालेंगे, बिल्कुल खूब डालेंगे हम दोनों बनाते हुए। और कुछ फ्रेंड से, फैन से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ कहना चाहो? पाकिस्तान से यही कहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ, चुप हो जाओ, अपने वहाँ के लोग देखो, वहाँ की चीज़ें संभालो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी चिंता छोड़ दें। सीमा सीमा के बच्चे बहुत खुश हैं, चिंता छोड़ दो, जब मैं बहुत खुश हूँ तो उनको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो और हिंदुस्तान के लोगों से यही कहती हूँ, जो मेरे ख़िलाफ़ बोलते हैं, मैं उनको कहूँगी आपका भी थैंक यू, और जो मुझे प्यार देते हैं उनका तो बहुत बहुत मन और दिल से थैंक यू। भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो क्या कहेंगे, आपका फेवरेट कौन है खिलाड़ी, क्या चाहते हैं? विराट कोहली है, और उनका कप भी बनवाया है मैंने, स्पेशल बनवाया विराट कोहली जी के लिए, क्योंकि जब मैं मैच देखूंगी तो चाय अच्छा उसी कप में पियूंगी विराट कोहली के। अच्छा, इधर टीवी में विराट कोहली होंगे, इधर मेरे हाथ में विराट कोहली होंगे, विराट कोहली का कप होगा बिल्कुल, और सपोर्ट फुल है, और प्रार्थना भी करेंगे, पूजा भी करेंगे कि भगवान करे हिंदुस्तान जीत जाए, और यकीन है कि जीत जाएगा, विराट कोहली पे पूरा, विराट कोहली, रोहित शर्मा पे बहुत विश्वास है, और हार्दिक पांड्या पे विश्वास है। तो देखा कि आपने कितनी जिंदा दिली के साथ ये कपल जिंदगी जी रहा है। आइए आइए, और ये घर है छोटा सा, ये नया कमरा भी बनवाया है अभी इन्होंने, और इस समय जो ये दादा हैं आपके? अच्छा, वाह बाबा हैं, और ये घर इस समय बन गया, और उनका यही कहना है कि जब कागज़ पर मोहर लग जाएगी, सीमा हिंदुस्तान की हो जाएगी, फिर ज़िंदगी नई शुरू होगी, और धूम धड़ाके के साथ, नई ताजगी के साथ ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये इच्छा है लोगों की, आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, कमेंट करें। नमस्कार।